हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सीएस रितु। आज का वीडियो है अपकमिंग बिग डिविडेंड स्टॉक्स पे। कमिंग वीक यानी कि 24 जुलाई से 28 जुलाई तक बहुत सारे स्टॉक्स डिविडेंड के लिए फोकस में रहने वाले हैं। टोटल 103 स्टॉक कमिंग वीक में डिविडेंड के लिए फोकस में रहने वाले हैं। इन कंपनीज में से कौन सी कंपनी बड़ा डिविडेंड देने वाली है अपने शेयर होल्डर्स को, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 24 जुलाई यानी कि कल टोटल 10 स्टॉक्स डिविडेंड के लिए फोकस में रहेंगे। बड़ा डिविडेंड आ रहा है लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड में, 98.5 रुपीज का डिविडेंड इस कंपनी में आ रहा है। एमपीएस लिमिटेड में भी बड़ा डिविडेंड आ रहा है, 20 रुपीज का फाइनल डिविडेंड इस कंपनी में आ रहा है। 25 जुलाई को भी 10 स्टॉक डिविडेंड के लिए फोकस में रहेंगे। बड़ा डिविडेंड आ रहा है पोशक लिमिटेड में, 17.5 रुपीज का फाइनल डिविडेंड पोशक लिमिटेड में आ रहा है। नेक्स्ट 26 जुलाई को टोटल 13 स्टॉक्स डिविडेंड के लिए फोकस में रहेंगे। बड़ा डिविडेंड आ रहा है 3M इंडिया लिमिटेड में 100 रुपीज का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने। क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड में 13 रुपीज का फाइनल डिविडेंड आ रहा है। गुडियर इंडिया लिमिटेड में 26.5 रुपीज का फाइनल डिविडेंड आ रहा है। 27 जुलाई को टोटल 18 स्टॉक्स डिविडेंड के लिए फोकस में रहेंगे। बड़ा डिविडेंड आ रहा है एक्सो नोबल इंडिया लिमिटेड में, 40 रुपीज का डिविडेंड ये कंपनी देने वाली है। ऑटोमोटिव एक्सेल लिमिटेड में भी बड़ा डिविडेंड आ रहा है 32 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। हीरो मोटोकॉर्प में 35 रुपीज का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, रिकॉर्ड डेट कमिंग वीक में है। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी बड़ा डिविडेंड आ रहा है, 38 रुपीज का फाइनल डिविडेंड कंपनी में रिकमेंड हुआ है। 28 जुलाई को टोटल 52 स्टॉक्स डिविडेंड के लिए फोकस में रहेंगे। बड़ा डिविडेंड आ रहा है ग्लोस्टर लिमिटेड में, 20 रुपीज का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने रिकमेंड किया है। जीआरपी लिमिटेड में 17 रुपीज का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड हुआ है। इसके अलावा इकरा लिमिटेड में 130 रुपीज का डिविडेंड रिकमेंड हुआ है, 40 रुपीज का फाइनल डिविडेंड इस कंपनी में आ रहा है, 90 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड भी इस कंपनी में आ रहा है। केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भी बड़ा डिविडेंड आ रहा है, रिकॉर्डेड 28 जुलाई को है, 60 रुपीज का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। रेन होल्डिंग्स लिमिटेड ने 17 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। टीसीएल पैकेजिंग लिमिटेड में भी बड़ा फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड इस कंपनी में डिक्लेयर हुआ है। एंड सबसे बड़ा डिविडेंड इस बार डिक्लेयर हुआ है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड में, 15 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। शेयर प्राइस के हिसाब से इस डिविडेंड की वजह से अच्छी डिविडेंड डील हो जाएगी इस कंपनी की। चलिए जानते हैं इन डिविडेंड की इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सबसे पहली कंपनी है लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड। लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड में 98.5 रुपीज का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड हुआ है। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 24 जुलाई है, कंपनी की एजीएम 31 जुलाई को होनी है और इस डिविडेंड की पेमेंट एलिजिबल शेयर होल्डर्स को एजीएम होने के विद इन 30 डेज हो जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है एमपीएस लिमिटेड। एमपीएस लिमिटेड में 20 रुपीज का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड हुआ है, रिकॉर्ड डेट 24 जुलाई है, कंपनी की एजीएम 31 जुलाई को होनी है और इस डिविडेंड की पेमेंट एजीएम के विद इन 30 डेज एलिजिबल शेयर होल्डर्स को हो जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है गुडियर इंडिया लिमिटेड। गुडियर इंडिया लिमिटेड में 26.5 रुपीज पर शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड हुआ है, रिकॉर्ड डेट 26 जुलाई है इस डिविडेंड के लिए, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग 2 अगस्त 2023 को होनी है और इस डिविडेंड की पेमेंट एलिजिबल शेयर होल्डर्स को विद इन 30 डेज फ्रॉम एजीएम हो जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है एक्सो नोबल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में 40 रुपीज का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड हुआ है, रिकॉर्ड डेट 27 जुलाई है इस डिविडेंड के लिए, कंपनी की एजीएम 3 अगस्त को होनी है और इस डिविडेंड की पेमेंट एलिजिबल शेयर होल्डर्स को 24 अगस्त 2023 से हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट कंपनी है ऑटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड। ऑटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड शेयर का करंट प्राइस है 2184 रुपीज, कंपनी में फाइनल डिविडेंड रिकमेंड हुआ है 32 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है 27 जुलाई, कंपनी की एजीएम 3 अगस्त 2023 को होनी है और इस डिविडेंड की पेमेंट एलिजिबल शेयर होल्डर्स को एजीएम के बाद हो जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। 3100 रुपीज का ये शेयर है, कंपनी ने फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है 35 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 28 जुलाई है, कंपनी की एजीएम 9 अगस्त 2023 को होनी है और इस डिविडेंड की पेमेंट एलिजिबल शेयर होल्डर्स को 8 सितंबर 2023 तक हो जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है ग्लोस्टर लिमिटेड। 759 रुपीज का ये शेयर है, कंपनी ने 20 रुपीज का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है 29 जुलाई, कंपनी की एजीएम 5 अगस्त को होनी है
और इस डिविडेंड की पेमेंट एलिजिबल शेयर होल्डर्स को 8 सितंबर 2023 तक हो जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है इकरा लिमिटेड। 130 रुपीज़ का टोटल डिविडेंड इस कंपनी में डिक्लेयर हुआ है। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है 28 जुलाई 2023। कंपनी की AGM 3 अगस्त को होनी है और इस डिविडेंड की पेमेंट एलिजिबल शेयर होल्डर्स को 25 अगस्त 2023 तक हो जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है रेन होल्डिंग्स लिमिटेड। रेन होल्डिंग्स लिमिटेड के शेयर का प्राइस है 1126 रुपीज़। 17 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड इस कंपनी में रिकमेंड हुआ है। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है 28 जुलाई। कंपनी की AGM 4 अगस्त को होनी है और इस डिविडेंड की पेमेंट एलिजिबल शेयर होल्डर को 11 अगस्त तक हो जाएगी। नेक्स्ट कंपनी है TCPL पैकेजिंग लिमिटेड। 1616 रुपीज़ का ये शेयर है। कंपनी ने 20 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 28 जुलाई है। कंपनी की AGM 4 अगस्त को होनी है और इस डिविडेंड की पेमेंट एलिजिबल शेयर होल्डर्स को 8 अगस्त 2023 से हो जाएगी। लास्ट कंपनी जिसमें बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, जिसकी वजह से इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड अराउंड 15% का हो गया है, वो है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। सॉफ्टवेयर सेगमेंट की ये कंपनी है। कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार 15 रुपीज़ का इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 121 रुपीज़ का ये शेयर है और 15 रुपीज़ का इंटरम डिविडेंड इस कंपनी में डिक्लेयर हुआ है। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है 28 जुलाई। मैक्सिमम हमें इन्वेस्टमेंट इस शेयर में 27 जुलाई तक करना है, तभी हम इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे। कंपनी की AGM 25 अगस्त को होनी है और इस डिविडेंड की पेमेंट एलिजिबल शेयर होल्डर्स को विद इन 30 डेज फ्रॉम AGM हो जाएगी। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।